हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हो आप सर? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ वीकली टैरो की रीडिंग, और ये रीडिंग जो है मैं करने वाली हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए, यानी कि स्कॉर्पियंस के लिए, और बताने की कोशिश करूँगी कैसा रहेगा आपके लिए ये आने वाला हफ्ता, यानी कि 8 to 14th of August। ऑलराइट, रीडिंग शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करेगी उतना आप रीडिंग रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी यहाँ तक पहुँचे इस रीडिंग को आप देख सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं रीडिंग स्कॉर्पियंस के लिए, और बताने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहने वाला है आपके लिए ये आने वाला हफ्ता। मैंने कर ली है शफलिंग, अब देखते हैं कि कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियंस के लिए ये आने वाला हफ्ता। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज, ये कोई वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो इस वीक में आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है जिनका बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो। मुझे पता नहीं क्यों इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है ना कि ये रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप हमेशा धोखा खाए हो, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है जो यूनिवर्स कहीं ना कहीं एज अ ब्लेसिंग आपको भेज रही है। इस पार्टनर को आप अपने वर्क और करियर में, हो सकता है आप इस पार्टनर को आइडेंटिफाई कर पाओ। आपके कोई वर्क कलीग हो सकते हैं, आपसे, आपके काम से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके वर्क से रिलेटेड हो सकते हैं ये पार्टनर, और कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोग कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी ये समय जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है इस हफ्ते। यस, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने सिक्स सेंस का इस्तेमाल करें, कहीं ना कहीं आपके सिक्स सेंस जो है आपको काफ़ी सही गाइड करने वाली है इस हफ्ते। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके लाइफ में हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग हो जो आपको अप्रोच करते हो या फिर करना चाहते हो, तो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये आपके इंस्टिंक्ट से अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता। तो अपनी इंस्टिंक्ट की ज़रूर सुने, आपकी इंस्टिंक्ट जो है, आपका जो इंट्यूशन है, वो कहीं ना कहीं आपको सही ही गाइड करेगा। फ्रेंड्स, तो इससे आपको डिसअपॉइंटमेंट जो है नहीं मिलेगी। मुझे इस कार्ड से ये भी लग रहा है कि अगर आप कोई, जैसे कि मैंने इस कार्ड को देखकर बोला, अगर कोई वर्क रिलेटेड चीज़ें जिसको आप स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर कोई काम से रिलेटेड चीज़ें जिसे आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये शुरुआत जो है काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। वाओ, वी हैव द डेविल कार्ड। तो यस, मुझे इस डेविल कार्ड से ऐसा लग रहा है कि अगर ये कोई पर्सन है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई ऐसा पर्सन है जिसको लेकर कहीं ना कहीं आप सोच रहे थे कि काश ये पर्सन मिल जाए, तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के प्रति आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, काफ़ी ज़्यादा आप इस पर्सन को लेकर सोचते हो, इस पर्सन के बारे में सोचते हो, काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ आपके लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन, आई डोंट नो, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं स्कॉर्पियन की रीडिंग कर रही हूँ, और ये पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये एयर साइन के हो सकते हैं, जिसमें मुझे एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, उनका कोई एक साइन जो है एक्वेरियस हो सकता है, यानी कि कुंभ राशि। मुझे इस कार्ड से ये भी लग रहा है फ्रेंड्स कि अगर अब तक आपके वर्क और करियर में कोई ऑब्स्टेकल रहे हैं, कोई बाधा रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा ट्राई करते हो और कहीं ना कहीं ये जो ट्राई है ना, ये हमेशा एंड नहीं हो रहा है, यानी कि आप ट्राई करते जा रहे हो बट आपको कोई सक्सेस नहीं मिल रहा, तो अब आपको सक्सेस मिलेगा। अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में आप हो जहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, या फिर जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली एक जैसी चल रही है, हमेशा एक ही लूप में आप चल रहे हो, तो कुछ लोग मुझे लग रहा है इस चीज़ से भी बाहर आने वाले हो आने वाले वक्त में। यस, टू ऑफ सोर्ड्स।
मुझे ये पता नहीं क्यों किसी पर्सन को लेकर ही लग रहा है कि हो सकता है आपके लाइफ में दो पर्सन हैं जिनको लेकर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको हाँ बोले कि इनको ना बोले, किनके साथ आगे बढ़ना चाहिए किसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो आपका जो इंट्यूशन है वो आपको सही तरीके से गाइड करेगी फ्रेंड्स। तो इसमें मुझे क्लैरिटी आते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनका साइन वाटर साइन हो सकता है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ये भी कहीं ना कहीं आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। ये पर्सन फ्रेंड हो सकते हैं या फिर आप ही के फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं, आपके सिस्टर ब्रदर हो सकते हैं, जिनसे आप क्लोज है वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे चीज़ों में ना हेल्प करने में मदद करेंगे इस हफ्ते। मुझे इस कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि किसी डिसीजन में अगर आप स्टक हो और अगर ये कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है आपकी ज़िंदगी का, जैसे मान लीजिए मैरिज हो गया या फिर मान लीजिए कि अब्रॉड शिफ्ट का हो गया या फिर कोई चीज़ आप प्रॉपर्टी लेने वाले हो, ऐसी कोई भी चीज़ मान लीजिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अगर अब तक आप इसके कन्फ्यूजन वाले स्टेट में चल रहे हो ना, आपको क्लैरिटी मिलेगी। येस वी हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ऑफकोर्स मुझे ऐसा लग रहा है वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए काफ़ी अच्छा समय है, आप नए जॉब अपॉर्चुनिटी को भी अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब आप द वर्ड इंडिपेंडेंट जो कहते हैं यानी कि आत्मनिर्भर होना, अपने आप पर ऊपर डिपेंडेंट होना जिसे हम सेल्फ डिपेंडेंस कहते हैं, वो स्थिति भी आपकी ज़िंदगी में कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है कि जी हाँ आप उस स्थिति में भी पहुँचने वाले हो। आप अगर किसी ऐसे प्रॉब्लम में थे जहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा लोन्स हो गए थे, डेब्ट्स हो गए थे, तो कहीं ना कहीं ये भी आप मुझे क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप थोड़ा सा यू नो फैशन रिलेटेड कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, हो सकता है सोशल नेटवर्किंग साइट पे या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप कुछ चैनल बनाना चाहते हो, या फिर अगर ऐसा हो सकता है कि फैशन इन्फ्लुएंसर की भी मुझे वाइब आ रही है कि आप ऐसा अगर सोच रहे हो कहीं ना कहीं कि आप ऐसा कुछ स्टार्ट करो, कुछ यू नो ऑनलाइन बुटीक हो गया, फिर ऑनलाइन ज्वेलरीज को लेकर हो गया, तो इसमें भी मुझे आप सक्सेस पाते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप इसकी शुरुआत जो है कर सकते हो। आपका जो बॉन्ड है आपकी मदर के साथ, ये भी मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है उसमें, जो एनर्जी अलाइन हो रही है उसमें मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग बाहर भी जा सकते हैं, किसी शॉर्ट ट्रिप पर हो गया, कहीं तो आप जा रहे हो फ्रेंड्स इस वीक किसी के गेट टुगेदर में, किसी के फंक्शन में, तो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है। यस सेवन ऑफ कप्स, मुझे इस कार्ड से ये नज़र आ रहा है कि यस आपके लाइफ में चॉइसेस ज़रूर है। मैंने इस कार्ड को देखकर ही बोला था, अब ये कार्ड खुद ही आ गया है। यस आपके लाइफ में चॉइसेस ज़रूर है, लोगों को लेकर हो सकता है, अपॉर्चुनिटी को लेकर हो सकता है, मल्टीपल चीज़ों के डिसीजंस को लेकर हो सकता है। तो आपको क्लैरिटी मुझे मिलते हुए दिख रही है, बस आपको ये बोला जा रहा है ना कि जो भी आप कदम ले, जो भी आपका फैसला हो वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ले, ऐसे मत ले कि किसी का फेवर करते हुए आप ले रहे हो, यानी कि उसके लिए मैं ये कर रही हूँ या उसके फेवर के लिए मैं ये कर रहा हूँ। आपको अगर सही लग रहा है, आपके लिए अगर सही, अगर आपका दिल कह रहा है, तो आप उस फैसले को ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा नहीं है या फिर जिस पर्सन से आप जुड़े हैं उन पर आपको भरोसा नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप अपने उस प्रॉब्लम को यूनिवर्स को सरेंडर कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। वाओ वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। तो मैंने इस कार्ड को देखकर बोला था, आपको रीडिंग में याद होगा मैंने बोला था कि हो सकता है आप किसी पर्सन को पसंद करते हो जो मुझे एयर साइन के लग रहे हैं, एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई, जिसमें एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है। यस कोई तो एक ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं आप उस पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपको, आप इस पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा फील करते हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, जो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी करेगा आप जो भी काम करना चाहोगे या डिसीजन लेना चाहोगे अपने लाइफ में। मुझे इस कार्ड से ये भी लग रहा है कि स्पीक द ट्रूथ, इस कार्ड से मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि स्पीक द ट्रूथ, क्या सच्चाई है, क्या सच है जो आपको बताना चाहिए, क्या सच है जो लोगों को जानने की ज़रूरत है। लोगों के फेवर में काम करना कम कीजिए, जो सच है उसके साथ आप आगे बढ़िए, आपके लिए कहीं ना कहीं ये जो है काफ़ी अच्छा रहेगा।
मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि यस, आप एक नए रिलेशनशिप को डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट ला सकता है। चलिए देखते हैं अब एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। वाह, वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो यस, कुछ ना कुछ बदलने ही वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड आया था, इसका मतलब ही यही होता है। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है। मैंने आपको रीडिंग में ही बोला था कि कुछ तो है किसी पर्सन को लेकर, कोई सिचुएशन को लेकर आप अभी भी जगल कर रहे हो, तो उसका सोल्यूशन निकलेगा तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम तो होगा, बट इट्स ओके, आपको फाइनल आउटकम भी मिलेगा। एंड द कार्ड फॉर यू इज अ टाइम फॉर हीलिंग। यस, मैंने ये भी अभी आपको बोला कि अगर आपको लगता है कि आप डिसीजन नहीं ले सकते, आपसे कुछ नहीं हो सकता, या फिर अगर आपको डर लगता है तो आप यूनिवर्स पर सरेंडर कर सकते हैं, थोड़ा हीलिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।